Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chapter number 7, Permutation, Combination and Probability. Last lecture tak hum exercise 7.5 tak cover kar chuke hain is chapter ko. Aage mazid hum chalenge. Topic hamara chal raha hai probability ka. To isme sub topic ek aata hai estimation ya estimating. Probability and tally marks. तो ये हमारा जो topic है sub topic है probability का. इससे पहले हम देख चुके हैं probability क्या होती है, concept क्या होता है, probability का use कहाँ पे होता है, probability calculate कैसे की जाती है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं. जैसे कि प्रोबेबिलिटी जो है उसका फार्मूला क्या है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी हो तो एन ऑफ ई यानी कि नंबर ऑफ इवेंट्स जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज भी इसे कहते हैं. ठीक है, तो इससे हमारे पास जो है उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाती है. इसमें ई क्या चीज़ है, इवेंट है, और एस जो है वो सैंपल स्पेस है. ये पहले आप देख चुके हैं, इसका आपको अच्छी तरह से अब आइडिया हो चुका होगा. ये फ्रैक्शन है दो चीज़ों की, नंबर ऑफ इवेंट्स और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ की. ठीक है, उनकी फ्रैक्शन है. तो इससे एक और बेहतर तरीका ये है अप्रॉक्सीमेशन, एक वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट करना. ठीक है, तो किस तरह से वो हम एक एग्जांपल के साथ देखेंगे. एग्जांपल ये है कि लेट्स सपोज हमने बहुत दफ़ा जो है डाई को रोल करने की एग्जांपल देखी है. ठीक है, उसी एग्जांपल को मैं यहाँ पर लेकर चलूँगा. उसमें क्या था कि एक डाई को हम जब रोल करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ आती हैं कि टॉप फेस पे क्या आएगा. ठीक है, कितने डॉट्स आएंगे. तो हमने मुख्तलिफ देखा कि इवेंट्स को लेकर देखा, या वन आ सकता है, या टू आ सकता है, या थ्री आ सकता है, या फोर आ सकता है, या फाइव आ सकता है, या फिर सिक्स आ सकता है. ये सब के सब इवेंट्स हैं. ठीक है, तो हम सपोज करते हैं कि हमने जो है डाई को रोल किया 100 टाइम्स. ठीक है, लेट रोलिंग ऑफ डाई इज 100 टाइम्स. ठीक है, 100 टाइम्स उसकी रोलिंग ले लेते हैं और उसके रिजल्ट्स जो है यहां पर लिख लेते हैं. हमने 100 टाइम उसको रोल किया. ठीक है, डाई को, उसके बाद हमने यहां पर उसके साथ साथ जो है हम लिखते गए कि कौन सा इवेंट कितनी दफ़ा ऑकर हुआ है. ठीक है, टैली मार्क्स से, टैली मार्क्स आपको आइडिया होगा, आप पहले यूज़ कर चुके हैं इसको. ठीक है, टेंथ में भी आपने यूज़ किया, तो नाइन्थ में भी, नाइन्थ टेंथ में, यानी कि मैट्रिक में आपने जो है टैली मार्क्स पढ़े होंगे, तो उसमें आपको जो है उसका आइडिया होना चाहिए आपको. ठीक है, तो एक दफ़ा यानी कि वन आया हमने यहाँ पर इस तरह से एक बार लगा दी. ठीक है, फिर दोबारा वन आया इस तरह से यहाँ पे लगा दी, फिर वन आया, यानी कि इस तरह था वन टू थ्री फोर और फिर ये फाइव. ठीक है, तो फिर वन टू थ्री फोर और ये फाइव, फिर वन टू थ्री फोर और ये फाइव, फिर वन टू थ्री फोर और ये फाइव. कितने हो गए, वन टू थ्री फोर, एक और ले लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव. एग्जाम्पल है ये. ठीक है, यानी कि हम रोल करते जा रहे हैं और फिर यहाँ पर टैली मार्क्स से हम शो करते जा रहे हैं कौन सा इवेंट, यानी कि कितने डॉट्स हैं, कितनी दफ़ा फ्रंट फेस पे आए हैं या टॉप फेस, उसे कह लें आप टॉप फेस पे आए हैं. तो ये टू जो है इतनी दफ़ा ऑकर हुआ, वन टू थ्री फोर
1 2 3 डिफरेंट हम ले लेते हैं, ठीक है। आप खुद से भी ये ट्राई कर सकते हैं, एक डायल लें उसको रोल करें और फिर लिखते जाएं, 100 टाइम्स रोल करें और उसमें जो इवेंट जितनी दफ़ा ऑकर हो, ठीक है, तो आप उतनी दफ़ा यहाँ पर टैली मार्क्स जो है शो करते जाएं। जिस तरह से मैं एक रैंडम नंबर ले रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे समझने के लिए इसको, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर और ये फाइव, वन टू थ्री फोर। अब फाइव डॉट्स कितनी दफ़ा टॉप फेस पे आए हैं वो मैं यहाँ पर रैंडमली लिख लेता हूँ, जबकि आप ये ख़ुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। टू थ्री और सिक्स कितनी दफ़ा आकर हुआ है वो लिख लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव और वन। अब हम जो है उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी टेबल आपने पहले भी अक्सर बनाया होगा मैट्रिक में, ठीक है, तो ये चीज़ आपकी चलें रिवाइज हो रही है। अब इसके हम काउंटिंग लिख लेते हैं, ये कितनी दफ़ा ऑकर हुआ है इसको काउंट करें, ये फाइव फाइव टेन फिफ्टीन 20, 25 इसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वन की, यानी कि 25 टाइम्स जो है वन वो टॉप फेस पे है। इसी तरह से टू का देखते हैं, फाइव फाइव टेन और थ्री 13, टू की फ्रीक्वेंसी 13 है, और थ्री की देखते हैं, वन फाइव फाइव टेन और फोर 14, थ्री की फ्रीक्वेंसी 14 है। फोर की चेक करते हैं, वन टू फाइव फाइव टेन फाइव फिफ्टीन फाइव ट्वेंटी 24, इसकी 24 बनती है। इसी तरह से फाइव की चेक करें, फाइव प्लस थ्री इज 8, और लास्ट वन है सिक्स, उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं, फाइव प्लस फाइव टेन प्लस फाइव 15 प्लस वन 6, ठीक है। आप यानी कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ कि आप डाई को रोल करते जाएं, ठीक है, जौन सा भी टॉप फेस पे आता है डिजिट, यानी कि जितने डॉट्स आते हैं, लेट्स सपोज टू आया, आप यहाँ पर एक बार लगा देंगे, ठीक है। सेकंड टाइम आपने रोल किया, सिक्स आया, आप यहाँ पर बार लगा देंगे, यानी कि उसके सामने जो है इस तरह से आपका एक टेबल बिल्ड होता जाएगा, ठीक है। आपको बार बार काउंटिंग नहीं लिखनी पड़ेगी, आप इस तरह से बार लगाते जाएंगे और एंड पे जाके उसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, जिस तरह से मैंने अभी किया कि ये 5 प्लस 5 10 15 20 25, ये 25 बन गया, ठीक है। इस तरह से इनको, इन सब को मैंने कैलकुलेट कर, फिर अब मैंने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी टेबल लिख दिया इसका, यानी कि 1 जो है वो 25 टाइम्स ऑकर हुआ, 2 जो है वो 13 टाइम्स ऑकर हुआ, 3 जो है वो 3 डॉट्स वो 14 टाइम्स ऑकर हुए, ठीक है, और 4 जो है वो 24 टाइम्स, 5 जो है 8 टाइम्स, 6 जो है वो 16 टाइम्स, ठीक है। तो इसको आप सम करके देखें तो क्या आना चाहिए, क्योंकि हमने 100 टाइम्स रोल किया है तो कोई ना कोई यहाँ पर हमने सामने लगाते गए हैं, ठीक है, तो ये इसको सम करें तो आपके पास 100 रिज़ल्ट आना चाहिए, आप सम करके देख लें, ठीक है, तो ये 100 ही आएगा। अच्छा, ये तो चलें हमने टेबल बना लिया, उसके बाद हम देखते हैं कि हमने करना क्या है इस टेबल का। हम कहते हैं कि चलें हम कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन विच ऑड नंबर्स ऑकर, ठीक है, हमने प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करनी थी कि कितनी दफ़ा जो है ऑड नंबर ऑकर हुआ है, तो यानी कि 100 टाइम्स हमने रोल किया उसमें से ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी देखनी है कि वो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो 100 टाइम्स में से वो ऑकर हुआ, ऑड नंबर्स ऑकर हुए हैं, ठीक है। तो ऑड नंबर्स इसमें कौन कौन से हैं, ऑड नंबर्स देखें,
इसमें 1 है, इसमें 3 है और 5 है, 1, 3 और 5। इसकी फ्रीक्वेंसी आपको पता है, ठीक है, 1 की 25, 3 की भी आपको पता है 14 है और 5 की भी आपको पता है 8 है। ऑड नंबर्स की फ्रीक्वेंसी को सम कर लें तो क्या बनेगा, 25 प्लस 3 की क्या है 14, 25 प्लस 14 प्लस 5 की है 8, ठीक है। और ये तो हमने ऑड नंबर्स को सम कर दिया, उसकी फ्रीक्वेंसी को हमने, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स, यानी कि ये आप इसे कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स बन गए, ठीक है। ऑड नंबर्स को हमने सम कर दिया क्योंकि हमारा फोकस जो है वो किस पे है, ऑड नंबर्स पे है, क्योंकि मैंने ये लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन विच ऑड नंबर्स ऑकर, तो हमारा फोकस ऑड नंबर्स पे है। हमने नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स लिखने होते हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। अब यहां से देखें, मैंने ऑड नंबर्स की फ्रीक्वेंसी ऊपर लिखी है, ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट्स ये बन जाएंगे एन ऑफ ई आप इसे कह सकते हैं, और ये डिवाइड हमने किससे करना है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स से, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज से। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी है, टोटल इसको करके देख रहे हैं कितनी दफा हमने रोल किया है डाई को, 100 टाइम्स, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 100 कर लें तो ये बनता है 47 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, तकरीबन 1/2 के करीब करीब। अगर ये 50 होता तो 1/2 एग्जैक्टली आ जाता, इसलिए मैं इसको करीब करीब लिख लेता हूँ, 1/2 के अप्रॉक्सीमेटली 1/2 के करीब करीब, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1/2, ठीक है। अब इसमें हमने अप्रॉक्सीमेट देखा, अगर मज़ीद मैं जितनी भी, यानी कि अब यहाँ पर देखें ऑड नंबर जो है, अब इसमें आया था कि वैसे अगर देखा जाए तो ऑड नंबर जो है इसमें 3 हैं और इवन नंबर्स कितने हैं, वो भी 3 हैं, ठीक है, वो एग्जैक्टली 1/2 आना चाहिए था, एग्जैक्टली 1/2 आना चाहिए था ना, क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए, ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स की, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, नंबर ऑफ ऑड नंबर इसमें और इवन नंबर्स भी। इससे ये शो होता है कि ग्रेटर द नंबर ऑफ ट्रायल, जितने ज़्यादा ट्रायल्स हम बढ़ाएंगे मोर एक्यूरेट इज़ द एस्टिमेट ऑफ द प्रोबेबिलिटी, उतना ही ज़्यादा जो है वो प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट एक्यूरेट आएगा, ठीक है, यानी कि अगर इसको 1000 टाइम्स अगर हम रोल करें तो और एक्यूरेट इसका रिजल्ट आएगा। अच्छा, एक चीज़ तो ये होगी, अब इसको हम एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, एग्जाम्पल है जी द नंबर ऑफ रेनी डेज, बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ये, द नंबर ऑफ रेनी डेज इन मरी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई में काफ़ी ज़्यादा बारिशें होती ना, तो इसलिए मैंने जुलाई को सेलेक्ट किया, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई फॉर पास्ट 10 ईयर्स, ठीक है, गुजरे हुए पिछले यानी कि 10 सालों में हमने रिकॉर्ड चेक किया तो 10 साल पहले जो है वो 20 डेज बारिशें होती रहीं, ठीक है, 20 डेज बारिशों में गुज़रा जुलाई, और उससे अगला साल भी 20 डेज जो हैं वो बारिशें हुई, फिर उससे अगला साल 22 डेज बारिशें हुई, उससे नेक्स्ट ईयर वो भी 22 डेज बारिशें हुई, ठीक है, रेनी डेज थे, और 23 उससे नेक्स्ट ईयर जो था वो 23 डेज उसमें रेनी डेज थे, ठीक है, और उससे नेक्स्ट 21 डेज, नेक्स्ट ईयर 24 डेज, उससे नेक्स्ट ईयर 20 डेज, उससे नेक्स्ट ईयर 22 डेज, और लास्ट ईयर जो था यानी कि पिछले साल उसमें 21 डेज जो है वो रेनी डेज थे, ठीक है, 21 दिन बारिश होती रही। अब इसमें
हमने देखना है। अब हम जो है प्लान बना रहे हैं जी कि हमने जाना है मरी जुलाई के मौसम में, जुलाई के महीने में, ठीक है। तो 20 दिनों के लिए हमने जाना है। अब उसमें से हमने देखना है कि हम कितने दिन पिकनिक के लिए बाहर निकल सकेंगे, क्योंकि बारिश वाले दिन तो बाहर नहीं निकल सकेंगे ना। तो चलें पिकनिक डेज हम बाहर घूमे फिरेंगे, यानी कि जिन दिनों में बारिशें ना होंगी वो हमने देखना है कि फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच पिकनिक प्रोग्राम कैन बी मेड, यानी कि जिन दिनों में बारिशें नहीं होंगी वो हम देखते हैं कि किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने दिन बनते हैं जिनमें हम पिकनिक डेज जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। कैन बी मेड बाय अ ग्रुप, अच्छा। और हमने स्पेंड वहाँ पर कितने दिन करने हैं, 20 डेज। विश टू स्पेंड 20 डेज इन मरी जुलाई के मौसम में, ठीक है, जुलाई के महीने में। अच्छा, अब पिछले 10 साल का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है जुलाई का, ठीक है। उसकी मदद से अब हम देखेंगे किस तरह से हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हम कितने दिन जो हैं वो हम पिकनिक डेज, या कितनी प्रोबेबिलिटी है कि इस साल जुलाई के महीने में कितने दिन जो है वो रेनी डेज होंगे और बाकी कितने दिन जो है वो पिकनिक डेज होंगे, ठीक है। तो उन 10 सालों के रिकॉर्ड को पहले मैं जो है वो सम कर लेता हूँ। 20 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 22 प्लस 23 प्लस 21 प्लस 24 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 21, ये 10 साल बनते हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 साल के रिकॉर्ड मैंने लिख लिया जुलाई के महीने का। अब इस जुलाई के महीने में दिन कितने होते हैं, जुलाई के महीने में दिन होते हैं जी 31, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं लिख देता हूँ जी 31 डिवाइडेड बाय 31। लेकिन ये एक महीना तो नहीं है ना, ये तो 10 महीने बनते हैं, एक महीना ये जुलाई का, ये अलग अलग था, यानी कि 10 महीने है। तो इसको मैं 10 से भी इस 31 डेज को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये फिर एग्जैक्ट हमारे पास जो है वो एस्टिमेशन या प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक है। तो अभी इसको आप सम करें, सम करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 215 डिवाइडेड बाय, ये इसको मल्टीप्लाई करें तो 310 आता है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ये बनती है, इसको आप कैलकुलेट करें तो 0.7 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई। अब इससे हम नंबर ऑफ डेज किस तरह से निकाल सकते हैं कि कितने रेनी डेज होंगे उन 20 डेज में से जो हम स्पेंड करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ऐसा करता हूँ कि पूरे महीने में कितने रेनी डेज होंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रेनी डेज दिस ईयर इन जुलाई, वो किस तरह से हम फाइंड करेंगे, जो प्रोबेबिलिटी है
उसको आप नंबर ऑफ डेज ऑफ जुलाई से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि कितने डेज होते हैं जुलाई में, 31 होते हैं, आप इससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 0.7 मल्टीप्लाई बाय 31 तो ये बनता है 21.7, तकरीबन 22 डेज। ठीक है, ये एस्टिमेशन प्रोसेस है, उससे हमारे पास आया है 22 डेज जो हैं इस साल जुलाई में, 22 डेज जो हैं वो बारिशें होंगी, ठीक है, 22 रेनी डेज होंगे। लेकिन हमने शुरू में बात की कि हमने जो है 20 डेज जो है वो स्पेंड करने वहाँ पे, ठीक है, उन 20 में से कितने डेज जो हैं वो रेनी होंगे और कितने दिन हम पिकनिक मना सकेंगे। ठीक है, तो हम कहते हैं नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज ऑफ रेनिंग इन 20 डेज ऑफ जुलाई इज इक्वल टू, पहले हमने पूरे महीने का फाइंड किया तो 31 से मल्टीप्लाई किया, अब हम 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि हमें 20 डेज वहां स्पेंड करने हैं, 20 × 0.7 तो ये बनता है 14 डेज। ठीक है, अब तो बाकी दिन कितने बचे, बाकी दिन बचे 20 − 14 = 6, तो 6 दिन बचते हैं हमारे पिकनिक के लिए। ठीक है, द नंबर ऑफ डेज फिट फॉर पिकनिक, ये हमारे पास बचते हैं 6 दिन, यानी कि 6 दिन आप पिकनिक मना सकेंगे और 14 डेज वहाँ बारिशें होती रहेंगी, रेन डेज होंगे। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर है एस्टिमेशन का, हम एस्टिमेट लगा के प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं और प्रोबेबिलिटी से हम देख सकते हैं अपनी डेली लाइफ में क्या कुछ हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, तो आप इसको देखिए। ठीक है, अगर नहीं समझ आई तो दोबारा से आप इस वीडियो को रिपीट कीजिए, ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज, इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 7.6 वो स्टार्ट करेंगे।